आज का ब्रेकफास्ट, ये शशांक भाई ने कुछ स्पेशल ऑर्डर किया है। चलो भाई एक्स्ट्रा 5 लीटर फ्यूल ले लिया और फ्यूल अप हो गया। क्या मस्त ग्रीनरी है यार इधर। अब शुरू होगी चढ़ाई चांगला पास की। रोड तो भाई अल्टीमेट है जैसी खारदुंगला की थी। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी मेड इट टू द अनदर पास। ऑलराइट, सो हम पहुंच गए दुर्गुप और ये है वो पॉइंट जिससे हम लास्ट टाइम आए थे हुंडर से। आप दुर्गुप क्रॉस करके जब तांग से आएंगे तो तांग से में भी पेट्रोल पंप खुल गया है। डोमिनार है, गाड़ी तो खत्म है यार। गोप्रो बहुत परेशान कर रहा है, बहुत आराम से निकालनी पड़ेगी नहीं तो पानी आएगा ऊपर। कैंपिंग का सामान जो हम इतने दिनों से कैरी करके घूम रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से। हमारा आज का ब्रेकफास्ट, ये शशांक भाई ने कुछ स्पेशल ऑर्डर किया है। ए, नहीं नहीं चिकन नहीं यार, ये वेज है, वेज फलाफल। What's up guys, a very good morning from the dream city of every biker, Leh. So ये है ले का मेन चौक। हम इधर से आए थे, इधर है हमारा होटल राइट हैंड में और अभी हमें जाना है लेफ्ट में कारू होते हुए पैंगोंग लेक, जिसमें हमें चांगला पास भी आज कवर करने वाले हैं। अभी बस 10:54 हो गया यार, होटल से हम टाइम से निकले थे बट शशांक भाई को एक मेटा कैफे था इनके कोल्हापुर का, उन्हें वहाँ जाना था जिस वजह से हमने वहाँ बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। और भाई 1000 रुपीज़ का ब्रेकफास्ट हुआ, क्या ही खाया मैं पता नहीं। और अभी क्या है, फ्यूल कैन देख रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों उधर चले गए हैं सीधे। उधर हमें जाना ही नहीं है और उधर तो कुछ मिलेगा भी नहीं। फ्यूल अप कराते हैं और एक्स्ट्रा फ्यूल ले लेते हैं। 5 लीटर मैं ले लूँगा, बाकी उन्हें जितना चाहिए होगा वो उतना वो ले लेंगे। उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई एक्स्ट्रा 5 लीटर फ्यूल ले लिया और फ्यूल अप हो गया। टोटल है ये 1500 का। बाइक में आया कुछ 1142 और केन में आया 458। तो अपना फ्यूल अप इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा कैरी भी कर लिया, एक ही कैन हम कैरी कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ज़्यादा तो कैरी कर नहीं रहे भाई, बहुत सांस फूलती है यार। देख रहे भाई साहब, बाइक का फ्यूल सेंसर अभी भी उतना ही दिखा रहा है जबकि फुल होने के बाद भी ओवरफ्लो भी होगी, थोड़ी साइड से गिर भी गई। क्या था ना, ऊपर तक भर दो फिर बाइक का जो साइड स्टैंड है वो झुका हुआ है तो बाइक जब थोड़ी सी टिल्ट होती है तो थोड़ा तो फैल ही जाता है। क्या मस्त ग्रीनरी है यार इधर कारू से पहले। कारू अराउंड 10-12 किलोमीटर रह गया है, उसके बाद हम हो जाएंगे लेफ्ट और ये सीधा रोड जाता है उपसी देन ले मनाली हाईवे, मतलब सीधा मनाली पहुँचाएगा आपको। मनाली यहाँ से आई थिंक 400+ किलोमीटर है। मनाली अगर करना है तो आपको सुबह अर्ली निकलना पड़ेगा, एटलीस्ट 5:36 आप यहाँ से निकलो, अच्छे से लेयरिंग करो और निकल जाओ, जो हमारा तो हमें लगता नहीं पॉसिबल है। बट हम ट्राई करेंगे, फालतू में ना डेज स्ट्रेच करके कोई फ़ायदा नहीं होता ना। जो डेस्टिनेशंस हैं जब वो कवर हो जाएं तो फिर तो आप खींचो सेफली, लेकिन ऐसा भी नहीं है बस नींद में चला रहे हैं या अंधेरे में चला रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ। बाकी ये लेह से कारू तक काफ़ी पेट्रोल पंप है जितनी जगह पड़ेंगी और कारू में लास्ट पेट्रोल पंप है। आप पैंगोंग जा रहे हो, आप उपसी से होके हनले जा रहे हो या मनाली जा रहे हो, लास्ट पेट्रोल पंप कारू में है, उसके बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, फिर सीधा मिलेगा आपको इधर। और अगर मनाली जा रहे हो तो फिर तो आपको वो कीलोंग है तांडी में मिलेगा, और नहीं तो न्योमो में नया खुला है, तो अगर आप उधर हनले की तरफ जा रहे हो तो आपको न्योमो में मिल जाएगा। हाँ जी, न्योमो में मिलेगा आपको। तो पीछे कारू का ऑलमोस्ट एंड था, वहीं पे हमारे परमिट चेक हुए और जो चांगला पास है वो यहाँ से 33 किलोमीटर और पैंगोंग तो टोटल आई थिंक 1
60 कुछ तो था, 157 था आई थिंक, जो स्पैंगमिंग क्या स्पैंगमिंग जो भी प्रोनाउंस करते हैं यार, वही वो जो जगह थी। अब शुरू होगी चढ़ाई चांगला पास की, क्योंकि 5000 फीट चढ़ने वाले हैं हम। ऑलराइट, सो चांगला पास यहाँ से कुछ रह गया है 8-10 किलोमीटर, और भाई ठंड लगना शुरू हो गई थी तो थर्मल लाइनर डाल लिया। नीचे वाला थर्मल लाइनर मैं ऑलरेडी पहन के आया था, क्योंकि वो रास्ते में पहनने में दिक्कत होती है। और रोड तो भाई अल्टीमेट है, जैसी खारदुंगला की थी इस बार तो अभी तो खारदुंगला की ख़राब है, लेकिन लास्ट जब हमने खारदुंगला किया था ना तो रोड बढ़िया थी उस टाइम पे। कौन इतना हॉन्किंग कर रहा है यार, अभी क्या है, जब 8-10-12 किलोमीटर पहले चांगला से रोड ऐसी पतली हो जाती है, वरना डबल लेन रोड मस्त बना रखी है। सो अपन ऑलमोस्ट चांगला पहुंचने वाले हैं, और इससे पहले ये वाली रोड आ गई, ये थोड़ी सी स्लीपरी है यार, तो इस पर थोड़ा ट्रैक्शन बना के ही चलाना पड़ रहा है, और नैरो तो काफ़ी हो गई है भाई, तो संभल के इस पर चलानी है। आप भी कभी आओ बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ब्लाइंड टर्न्स भी हैं, तो अपोजिट साइड से कोई गाड़ी आएगी ना, अगर आप थोड़ा भी स्पीड में हुए तो भाई बहुत रिस्की है, इसलिए आराम आराम चलाओ, कोई जल्दी नहीं है। और लेह से हमने यहाँ तक कवर कर लिया 74 किलोमीटर्स, तो आप ये मान के चलो अराउंड 80 किलोमीटर है चांगला पास लेह से, अगर आप वाया कारू आते हो तो यही ऑप्शन है, अगर लेह से आप आ रहे हो तो, अपोजिट साइड से आप आते हो तो बात अलग है। आई थिंक एक आखिरी पास था जो लेह में मेरा रह गया था, आज ये भी हो जाएगा। लास्ट राइड पे तांगलांगला पास करने का कोई प्लान नहीं था, बट वो हो गया, और आज चांगला पास भी हो जाएगा। तो आई थिंक ऑलमोस्ट जितने पास अलाउड हैं फुल फ्लैश तरीके से, वो अपने सारे कवर हो जाएंगे लद्दाख के। यस, एक रह जाएगा, दैट इज खनले वाला फोटिला। हाथ भी जम रहे हैं यार, लेकिन आ गया क्या, नहीं तो कुछ और है। All right guys, so finally we made it to the another pass, Changla, the mighty Changla pass, और इसकी अगर आप हाइट की बात करें तो वो है 17,688 feet। एक दो फोटो निकालते हैं और निकलते हैं यहाँ से। एक फोटो तो ले लेते हैं ना उसके साथ, लगाओ बाइक आप। ऑलराइट, सो हम पहुंच गए दुर्बुक, और ये है वो पॉइंट जिससे हम लास्ट टाइम आए थे हुंडर से, जब हम पैंगोंग आते हैं तो अगम श्योक वाले रोड से। और अभी हमारे पीछे से जो है लेह से सीधा पैंगोंग। आप दुर्बुक क्रॉस करके जब तांग से आएंगे तो तांग से में भी पेट्रोल पंप खुल गया है, ये चेक पॉइंट है, यहाँ से ये रहा सामने पेट्रोल पंप, मतलब हर जगह ही पेट्रोल पंप होने वाले हैं। जो पेट्रोल कैरी करने की समस्या थी वो आई थिंक बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। जस्ट 30 किलोमीटर फ्रॉम हियर नाउ, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये रोड बन रहे थे, इस बार क्या हुआ है 5th रोड बन चुकी है। लास्ट टाइम तो हमने भाई बहुत धूल खाई है इस रोड पे, पहले पूरा हुंडर वाला एडवेंचर किया एंड उसके बाद ये एडवेंचर किया था हमने लास्ट टू लास्ट ईयर आए। अभी हम यहाँ रुके हुए थे एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक चाय पी मैंने, ब्रेड पकौड़ा खाया, और शशांक भाई ने खाया राजमा चावल। भाई क्या सही कैफे बनाया ब्रो ने,
इन द मिडल ऑफ नो वेयर ये बढ़िया सा कैफे बना के तैयार किया है। लास्ट ईयर जब हम यहाँ आए थे ना तो भाई पूरा ही ऑफ रोड था, अभी तो क्या बढ़िया रोड बनाई है। मेरे पीछे देख ही सकते हो ना, ऑल ब्लैक सीसी रोड मस्त। पैंगोंग अराउंड 25 किलोमीटर रह गया तो 30-40 मिनट्स और लगने वाले हैं। थोड़ी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं, जो मिलेगी हमारे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है नीचे। अब तक चेक नहीं किया तो चेकआउट जरूर करना। शुक्र है ज्यादा डाउन नहीं था। डोमिनार है गाड़ी तो खत्म है भाई, देख रहे हो सामने, इसीलिए कहते हैं आराम से चलाओ, आराम से। अपन आराम से चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं ऐसे। यार GoPro बहुत परेशान कर रहा है, गुस्सा आ रही है अभी मुझे। यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार GoPro पे। अबे मैं भी तो ठंड में चल रहा हूँ यार, क्या सुंदर लग रहा है फ्लैग भाई। बहुत आराम से निकालनी पड़ेगी नहीं तो पानी आएगा ऊपर। लद्दाख में रॉयल एनफील्ड सुप्रीमेसी, रॉयल एनफील्ड उधर वो तीनों खड़ी हैं स्कूटी छोड़ के, तीनों रॉयल एनफील्ड। बंदा स्कूटी पे राइड कर रहा है एक्सेस बिहार से, देन एक बंगाल की RS 200 और एक ये जावा है, ऑलमोस्ट रॉयल एनफील्ड की कॉपी। क्या प्यारी शाम हो रही है यार। ये कैंपिंग का सामान जो हम इतने दिनों से कैरी करके घूम रहे हैं ना, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से, वो आज काम आ रहा है। रूम में बैठ के सामने है पैंगोंग, लेकिन अंधेरा हो गया अभी तो विंडो में हम देखेंगे। तो अभी हम पानी गर्म कर रहे हैं और हम बनाने वाले हैं चाय। ये इंस्टेंट टी हम लेके आए थे, तो अभी हम इलायची फ्लेवर चाय बनाएंगे और आपको अपडेट करेंगे। बाघ बकरी मैंने ब्लिंकिट से मंगाई थी, कैसा टेस्ट है इसका। सोपनी इलायची वाली चाय रेडी हो गई है और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है इसका। संग भाई ट्राई करनी चाहिए आपको भी। कल सुबह बना के वाह क्या चाय है।